हाइट लिखिए 1.63, ऊपर से पर्वतीय भी बना रखा है सबने, जब पर्वतीय बना रखा है तो यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा है? अपने पहाड़ के लोग हैं, यहाँ लागू ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ वहाँ आगे लाइन में लग रहे हैं। अब 300 बंदे यहाँ मेरे पीछे 300 लगे हैं, टाइमिंग उतनी है, ग्राउंड यहीं पे फिनिश होगा, तो जब तक एक राउंड मैं मारता हूँ वो 300 को निकलने में तो टाइम लगेगा ही। साहब लिखते हैं कि हम 5:10 की टाइमिंग दे रहे हैं, हम लोग 5:10 की टाइमिंग अगर लिखा है तो हम लोग तब उसको स्वीकार कर लेते हैं ना। 50 की टाइमिंग दी जा रही है, मेरे पे विश्वास नहीं, आप नेट पे चेक कर लो, नेट पे सारी वीडियो पड़ी है। करनाल में, हरियाणा में सब जगह 5:40, 5:50 की टाइमिंग दी जा रही है, जबकि वहाँ 5:10, 5:15 की देनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेन्स एरिया है, वहाँ पे हाइट बढ़ा के लेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो पर्वतीय का लगा ही नहीं रहे आर्मी वाले, उसे खुद बुला रहे आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे वाले तो वैसे मरेंगे, उनके ग्रुप के हम तो 2 साल आगे आ रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पीछे वाले लग गए, आगे से उठा के पीछे कर रहे हैं, ऐसे क्या होगा? ऐसे में कौन भर्ती होगा यार भैया? वही आर्मी वाले बोल रहे हैं ना, जो बंदे 4:40 रनिंग वाले हैं, रनर हैं, वो आगे आ जाओ, तो आगे आ रहे हैं, मतलब आर्मी वाले बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है बोल रहे, जो 4:40 वाले हैं वो आगे आ जाओ। मोदी रसोई के नाम पे वहाँ पे वो पूरी खिला रहे हैं, सुबह रनिंग करनी है, शाम को पूरी खा के कौन भागेगा? आप ये भी तो लगा लो, भात खिला रहे हैं, पूरी रोटी दो यार, दो दो रोटी दो, शाम को लाइट खाना होता है। हाँ इस टाइम बाहर आ रहे हैं, इस टाइम कुछ भी दो, इस टाइम की बात अलग है, लड़कों ने घर जाना है, लेकिन सुबह तो रनिंग करते हैं लड़के लोग, 2-3 साल से सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं। केदारनाथ, अगर केदारनाथ का रहने वालों में तो वहाँ पे ऑफ सीजन में भी इन्होंने कहा कि अचानक भर्ती ले ली और डेली बारिश हो रही है वहाँ, आप लोगों को पता होगी, भर्ती के टाइम ही नहीं मिला लास्ट टाइम पे, हमको लगा अग्निवीर स्कीम आएगी तो हम लोग तैयारी करेंगे, और इतनी कम स्कीम आई, मतलब ज़्यादा आएगी स्कीम, इन्होंने कहा था हर घर पर एक एक फौजी होगा, लास्ट में इन्होंने एक, आप लगा लो मतलब 10-12 बंदे ले रहे हैं एक उसमें, 5:10, 5:20 की टाइमिंग दे रहे हैं, आप लगा लो 300 में क्या 10 ही मेहनत करते होंगे, 250 तो करते ही होंगे ना, और कम से कम हम ये कह रहे हैं 50-50 तो लो कम से कम। हमें हमारे गाँव के बहुत पहले हो गई थी, अब क्या करें, आप और काम स्टार्ट कर दिया हमने, इसका मैंने बयान भी सुना, पहला वाला है ना, बता रहे हैं अपने बंदों को ले रहे हैं भैया। सर मैं बहुत से लोग बोल रहे हैं, आप लड़कों को पूछ लो जो भी बाहर आएंगे वो सब बोल रहे हैं, हम बात पूछी लेते, आपका ही बयान सुन के हम मिलने के लिए आए। सतपाल महाराज ने भी सिर्फ खाली नाम के लिए कर रखा है, वो क्या बोलते हैं, मैंने वो लिख के दिया है चिट्ठी, कराएंगे वो दोबारा भर्ती नहीं कराएंगे। अभी देखो आज बहुत से लड़के बोल रहे हैं कि हाँ भाई 5 सेकंड ज्यादा टाइम दिया, चलो मैं मानता हूँ 8 टाइम दिया, तो उनका क्या होगा जिन्होंने 5 दिन पहले वो कर दिया, उन लोगों के साथ तो घाटा हो गया। चलो हम मानते हैं कि पहले दिन उन्होंने कहा चमोली वालों ने गलत किया, चलाते हाँ मेरे पापा ओला में है, इन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं लड़के वो कर रहे हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, पहले दिन चमोली वालों ने गड़बड़ किया है, हमने कहा पहले दिन चमोली वालों को क्या गड़बड़ किया, हम तो रुद्रप्रयाग वाले, हम मानते हैं उन्होंने हल्ला किया, तो हम रुद्रप्रयाग वाले तो नहीं कर रहे थे, चमोली वाले खराब किया था, तो किसी का मेडिकल करा रहे थे, वही बात कौन कह रहे हैं, सब बोल रहे हैं, न्यूज में देखो, मीडिया में देखो, सबसे पहले फर्स्ट डे जब भर्ती हुई थी सब बोले थे चमोली वालों ने गड़बड़ की है, वाले हमें लगा सच में की होगी, तो कोई बात नहीं, उनको कम टाइमिंग दी गई, जब हमारी भर्ती आई हमें भी 5:10, 5:15 की गड़बड़ का इलाज टाइमिंग कम करना थोड़ी है। एक बात तो सुनो, या तो वहाँ 5:30, 5:45 लिखते ही नहीं, उसके बाद अगर नहीं लिखते तो सब लड़के उस हिसाब से तैयारी करते 5 मिनट में, 1.63 हाइट नहीं लिखते, हाइट लिखिए 1.63, ऊपर से पर्वतीय भी बना रखा है सबने, जब पर्वतीय बना रखा है तो यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा है? अपने पहाड़ के लोग हैं, यहाँ लागू ही नहीं हो रहा है, पुलिस में लागू हो रहा था उसमें नहीं कह रहे, हम लोगों ने सोचा चलो आर्मी में बाहर हो गए पुलिस की तैयारी करेंगे, वहाँ आप देख रहे हो सारी भर्तियाँ निरस्त हो गई हैं, पेपर उसके लीक हो रहे हैं, वीडियो में 15 लाख दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं UPSSC बहुत बड़ी वो चीज़ है वाले, तो UPSSC में कभी कुछ ऐसे धांधली नहीं होती है, इस बार वो पकड़े गए, इससे पहले भी तो करते होंगे ना वो धांधली, पकड़े तो इसी बार गए, तो इस बार पता लगा, लोग बोलते हैं आर्मी सबसे अच्छी है, हम भी मानते हैं पिछली बार उसका पेपर लीक हुआ, पहले भी तो होता होगा लीक, पता तो पिछली बार ही चला ना, ऐसा हर बार होता होगा, पर हम लोग जो मेहनत करते हैं वो लोग ऐसे ही पीछे रहते हैं। सेंटर के बंदे वहाँ बोल रहे हैं ना मेरा बड़ी है वो है, तेरे भाई को ऐसे भी बोलते हैं ना, इसका भाई कौन है, मोहित का भाई कौन है, वहाँ हाथ खड़ा कर दिया, तू वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ आगे लाइन में लग रहे हैं। अब 300 बंदे यहाँ मेरे पीछे 300 लगे हैं, टाइमिंग उतनी है, ग्राउंड यहीं पे फिनिश होगा, तो जब तक एक राउंड मैं मारता हूँ वो 300 को निकलने में तो टाइम लगेगा ही, आप लगा लो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है ऐसा। तो अभी आगे क्या क्या करना भैया, मैंने
निराशा तो नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी करें तो आप सब कुछ छोड़ दे दुनिया क्या करें। वो भी है लेकिन आदमी ने इतनी मेहनत की, 9-10 से भागना शुरू कर देता आदमी भर्ती के लिए, ठीक है। आज 18-19 साल 20 साल के हो गए, लगता है 5-6 साल लगातार रनिंग की, कभी की कभी नहीं की, लेकिन जब भर्ती आती है और टाइम करते हैं। इस बार इन्होंने पूरे 3 महीने का टाइम भी नहीं दिया, हमें लगा अभी आएगी भर्ती तभी आएगी। अब इन्होंने पहले बोला था कि दिसंबर में आएगी भर्ती, आप सभी को पता होगा। तो यूथ फाउंडेशन कैंप खुले, 6 महीने हमने ट्रेनिंग की, हमने कहा आती है, इन्होंने दिसंबर में नहीं दी, फिर बोला मार्च में आएगी, फिर मार्च में हमने मेहनत की, मार्च तक नहीं आई भर्ती, फिर डिले होते होते हमें लगा अब आएगी नहीं, फिर अचानक इन्होंने बोला भर्ती आने वाली है, 1.5 महीने बचे हैं। अब जो 2-3 बार इन्होंने पहले ही ऐसे दिमाग में डाल दिया था कि आएगी आएगी, तो हमें तब भी ऐसी लगा कि आएगी। बारिश का मौसम था, दिन आपको पता होगा दिन रात बारिश हो रही है, आजकल तो कम है, पहाड़ों में केदारनाथ साइड चले जाओ दिन रात वहाँ बारिश लगती है। अब रोड भी ऐसी है, रोड पे रनिंग करेंगे, रोड गीला है, ग्राउंड गीला है, रनिंग कैसे करनी, ना सुबह रनिंग हो रही है ना शाम रनिंग हो रही है। अचानक भर्ती दे दी, हमको कन्फर्म नहीं था कि ये भर्ती आएगी, किसी को नहीं कन्फर्म था, पूछ लेना युवाओं से। फिर 15 दिन पहले अचानक एडमिट कार्ड आए, हमें लगा अब तो भर्ती है, तो हमें लगा कि अचानक इन्होंने 1.5 महीने में भर्ती दी है तो कम से कम टाइमिंग तो ठीक देंगे। या तो वहाँ 5:45 लिखते ही नहीं, 5:30 लिखते ही नहीं, साफ लिखते कि हम 5:10 की टाइमिंग दे रहे हैं। हम लोग 5:10 की टाइमिंग अगर लिखा है तो हम लोग तब उसको स्वीकार कर लेते ना, उस हिसाब से तैयारी भी करता है। अब हम लोग 5:20 में ऐसे थे कि जो भी 5:20 है 5:40 की टाइमिंग मारता है वो समझ लो भर्ती निकाल देता है, हमें लगा कि हम निकाल देंगे। अब वहाँ सब आगे अपने बंदे लगा रहे तो हम कैसे निकाल पाएंगे। ये भी इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि दंगा हो रहा था हमारे उत्तराखंड में, किसी ने दंगा किया नहीं, गुमाओं में 5:50 की टाइमिंग दी जा रही है, मेरे पे विश्वास नहीं, आप नेट पे चेक कर लो, नेट पे सारी वीडियो पड़ी है, करनाल में हरियाणा में सब जगह 5:40-5:50 की टाइमिंग दी जा रही है, जबकि वहाँ 5:10-5:15 की देनी चाहिए क्योंकि वो प्लेन्स एरिया है, वहाँ पे हाइट बढ़ा के लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तो पर्वतीय का लगा ही नहीं रहे आर्मी वाले भी। अब आप भी बताओ ऐसे में करें तो करें क्या, करें बेरोजगार युवा है सारे, अगर हमारे पापा प्राइवेट वाले नहीं होते गवर्नमेंट वाले तो हम किसी जॉब करने की जरूरत ही क्या थी, हम अपना बिजनेस खोलते, दुकान खोलते, शॉप खोलते, लेकिन अब प्राइवेट वाले तो आना तो पड़ेगा ही ना, इस सेक्टर में भी जॉब है ही नहीं कहीं। देहरादून नहीं, मैं अपने रुद्रप्रयाग में ही रहता हूँ, मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैं 2-3 साल भर्ती की कैम्प में रहा मैं 2 साल ना, तो मुझे लगा भर्ती वाले अगस्त मुनी कैम्प में रहा मैं, तो मुझे लगा भर्ती आएगी भर्ती होंगे, लास्ट में उन्होंने वहाँ आगे अपने बंदे कर रहे हैं। आज ही के एक ही दिन नहीं हुआ रुद्रप्रयाग वाले, सारे दिन हुआ है, सारे लड़कों से पूछ लो, अभी और भी लड़के होंगे सबसे पूछ लो, हर दिन ऐसे हुआ कि सेंटर के बंदे आगे लगाए गए हैं। युवा ग्रुप में कितने भर्ती हुए? मेरे ग्रुप में हुए 14 बंदे भर्ती, मैं वहाँ हाथ जोड़ते रह गया भैया अंदर ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा 2 बार और ग्रुप 2 बोल देते अंदर हो जाता, लेकिन उन्होंने तब तक रस्सी रोक दी, पहले मैं खुश था टॉप 20 में चल रहा था, मुझे लगा 40 बंदे लेंगे, पहले ग्रुप में उन्होंने 18 लिए, सेकंड में 9 लिए और थर्ड ग्रुप में मैं था, मेरे में उन्होंने 13-14 बंदे लिए। तब क्या बोलना था उनको कि उतने ही ले रहे थे वो 15-20 15-20, या तो पहले बोल के चलते हमें टाइमिंग इतनी इतनी है, सब लड़के तैयारी करके आ रखे हैं, इतना खर्चा पानी लेके आ रहे हैं, एक टीशर्ट जिसकी हाइट भी है ना वो भी यहाँ बाहर हो रखा है, अब वो लोग भी तो खर्चा पैसे से आ रखे होंगे, तैयारी की होगी उन्होंने। एक चीज़ और बता दे तो जो ओपन वाला सीन है, बहुत से लोग बोले ओपन स्कूल यार, पिछली साल पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें कैसे लिया इन्होंने ओपन वाले, तो माननीय बोल रहा उसको लेना ही चाहिए ना, इस बार हटा दिया तो पहले तो ओपन वाला मेहनत नहीं कर रहा, आप लगा लो पहले भर्ती नहीं हुए मैं मानता हूँ, तो बाद में उन्होंने ओपन किया होगा, उन्होंने रेस निकाली, या तो पहले ही बोलते थे ओपन वाले हम ले नहीं रहे साथ साथ, उन्होंने रेस निकाली, सारी मेहनत की अपने साथ, 1 साल पढ़ाई में बर्बाद किया, पैसे अलग लगाए वहाँ, और क्या बोलते हैं घर से ही रहा होगा 1 साल, तो आप ये लगा लो पढ़ाई भी की, ऐसे तो है नहीं 5,000 में सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब लास्ट में इन्होंने ये ओपन बोर्ड वालों को भी मना कर दिया, भले मैं ओपन बोर्ड वाला नहीं हूँ, मेरी जो है मेरी 10th तो यूपी से है, मैंने 12th यहीं से की है, पर क्या तुम्हारी मेरी है 22 साल, इसके बाद अब ये चली गई मेरी, क्या नहीं, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं अभी उसी को चला रहा हूँ और ठीक चल रहा है वो, अब क्या करना, कुछ ना कुछ तो करना ही है आदमी ने, इसलिए मैं उसी को चला रहा हूँ।